हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर हर्षित एकेडमी। आज के वीडियो में हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टडी करने से पहले थोड़ा हम उसके बेसिक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैट्रिसेस आपको दिया हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक ये मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया है के एल एम N O P Q R S। अब ये दोनों मैट्रिसेस को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता हो तो इसे हम रो बोलते हैं, यानी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, राइट। उसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का रो देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम देखते हैं, राइट। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं R1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो इसमें फॉर्मूला कैसा बनेगा, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं। फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट रो को आपको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करेंगे वो जब क्वेश्चन हम लिखेंगे उसमें हम इस डिटेल में देखेंगे। अभी आप फॉर्मूला समझ लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1R 2C, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1R 3C, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2R 1C, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, उसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं तो आपका और क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन है फॉर मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू 1 2 0 1 1 0 -1 4 0, यानी कि आपको इसमें ए मैट्रिक्स दिया है फर्स्ट मैट्रिक्स एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 1 1 -1 2 2 2 एंड सी इक्वल्स टू, एक थर्ड मैट्रिक्स भी आपको दिया है, 1 2 3 1 1 -1 1 1 1
राइट। यानी ये क्वेश्चन में आपको थ्री मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, शो दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। इसमें एक और चीज याद रखना कि जैसे कि हम मल्टीप्लीकेशन जब करते होते, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स की बात नहीं बट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमने आज तक यही सीखा है कि 1 इंटू 2 करो तो भी 2 आता है, 2 इंटू 1 करेंगे तो भी 2 आता है। यानी हमने ये सीखा है हमेशा कि मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे जो सीक्वेंस होता है उसको चेंज करेंगे तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो आंसर अलग आ सकता है, सेम भी आ सकता है बट अलग आने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए कभी भी ए बी अगर आपको प्रूव करने को दिया है तो आप ऐसा मत करना कि बी ए हम फाइंड कर दें तो भी चलेगा, नहीं, इसमें नहीं होता है ऐसा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो चलो हम सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद ए और सी का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो चाहिए, चलिए सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। अब ए बी का मतलब पहले ए मैट्रिक्स आपको यहां पे लिखना है, तो ए मैट्रिक्स जो दिया है वो मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 0 1 1 0 -1 4 0। क्लियर, यानी ये मैट्रिक्स हमने यहां लिख दिया। उसके बाद ए के बाद बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स हम यहां पे लिखते हैं, तो बी मैट्रिक्स है 1 2 3 1 1 -1 2 2 2। तो ए और बी मैट्रिक्स दोनों मैंने लिख दिया, दोनों मैट्रिक्स के बीच में ना मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी ऐसा साइन भी नहीं करना है, ना आपको उसमें कुछ डॉट रखना है, उसको वैसे ही रहने दो जैसा आपको, ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, इसके बीच में भी कोई साइन आपको नहीं करना है। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है, पर मैंने आपको इजी हो जाए मल्टीप्लीकेशन इसके लिए मैंने फॉर्मूला एक बनाया है। एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना मत, ठीक है, आप डायरेक्टली इसको रफ में लिख सकते हैं, फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट रो, मैंने आपको बताया था रो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का लेना है, जैसे इस ये दोनों में से फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको हमेशा रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम लेना है, ये चीज याद रखना। ऐसा ना मत करना कि इसका कॉलम ले लो इसका रो ले लो, ऐसा नहीं करना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो लेंगे, तो रो कौन सा है, फर्स्ट रो है। अब फर्स्ट रो में तो तीन एलिमेंट है, एक नहीं है, एक होता तो मल्टीप्लाई करके खत्म करते, बट इसमें तीन एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट रो का आपको फर्स्ट एलिमेंट, एक काम करते हैं मैं आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एक थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं कि भाई फर्स्ट रो हमारा ये है, फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से। अब ध्यान देना कैसे मल्टीप्लाई करना, इसमें बहुत लोग 90% बच्चे भूल करते हैं, ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 1 इंटू 1, ब्रैकेट कर दो बराबर, प्लस कर दो, बाद में प्लस का साइन लिखना है हमेशा। उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट को ये सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2 इंटू 1। उसके बाद थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो होगा 0 इंटू 2। क्या एलिमेंट्स क्या होता है, मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी फिर से बताता हूं कि जो भी आपको मैट्रिक्स के अंदर दिखता है ना उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये 1 और 1 सी,
यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमने कैलकुलेट कर दिया, स्टेप्स लिख दिया। अब हमें 1R2C पे जाना है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम्स ये मैट्रिक्स का सिर्फ कॉलम आएगा, ये मैट्रिक्स का सिर्फ रो आएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया। अभी हम थोड़ा इसको हाईलाइट, फर्स्ट रो के बदले सेकंड रो को हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। अब आपका फॉर्मूला के हिसाब से देखना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है उसको हम कैसे सेट करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, उससे पहले थोड़ी सी स्पेस कर देंगे, जगह कर देंगे जिससे अलग अलग आपको दिखे। तो 1 × 2 प्लस 2 × 1, समझ आ रहा है? सेकंड एलिमेंट, इसका भी सेकंड एलिमेंट, आपको फिर से बताऊं, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो जो एलिमेंट्स का सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 1 प्लस 0 × 2, राइट? तो हमने इसको भी सेट कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो हमारा सेट है, ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। थर्ड कॉलम में हाईलाइट करता हूं, तब देखो 1 × 3 प्लस 2 × -1, प्लस 0 × 2 राइट? इस तरह से हमने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से कॉलम के साथ किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ किया, यानी ये वाला हमारा ऊपर वाला जो लाइन है उसका हमने फॉर्मूला पूरा अप्लाई कर दिया। अब सेकंड लाइन देखो, 2R1C, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उस पर भी ध्यान देते। तभी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को करना है। तो रो मैंने आपको पहले भी समझाया, रो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का होता है, कॉलम हमेशा सेकंड मैट्रिक्स का होता है। तो इसमें सेकंड रो लिखा है इसलिए हम यहां पे सेकंड रो को मैं हाईलाइट करता हूं, और फर्स्ट कॉलम है अब मैं फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करता हूं। अब इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसी तरह से जैसे हमने पहले किया। तो देखो 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 2, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मैं सेकंड कॉलम को हाईलाइट करता हूं, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 प्लस सेकंड एलिमेंट, इसका भी सेकंड एलिमेंट, 1 × 1 0 × 2। स्टेप बाय स्टेप जाना है, कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो सेट है, थर्ड कॉलम पे मैं हाईलाइट करता हूं। तो देखो 1 × 3 प्लस 1 × -1 प्लस 0 × 2, राइट? ये भी हो गया। अब फॉर्मूला में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो पहले मैं रो का लोकेशन
सेकंड रो से हटा के थर्ड रो की तरफ मैं हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि अभी ये जो फॉर्मूला है उसमें सब जगह थर्ड रो है। थर्ड रो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें मैं फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, -1 × 1 4 × 1 0 × 2 क्लियर। उसके बाद सेकंड कॉलम को हाईलाइट करता हूं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -1 × 2 4 × 1 0 × 2 बराबर। उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप बचा हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को मैं हाईलाइट करता हूं, तो -1 × 3 प्लस 4 × -1 प्लस 0 × 2 तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है, तो आइए देखते हैं पहले क्या आएगा। 1 × 1 1 2 × 1 2 और ये 0, इसमें आएगा 2 + 2 + 0, इसमें आएगा 3 − 2 + 0। ये तो आपको स्टेप आते ही होंगे, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया। चलो देख लेते एक बार, 1 × 1 1 प्लस का साइन, 2 × 1 2 प्लस का साइन, 0 × 2 0, 1 × 2 2 प्लस का साइन, 2 × 1 2 प्लस 0, 3 × 1 3 2 − 1 − 2 होगा, तो -2 प्लस 0 × 2 इज 0। अब यहां पे देखते हैं 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 प्लस 0, यहां पे आएगा 2 + 1 + 0, यहां पे आएगा 3 − 1 + 0, यहां पे −1 + 4 × 1 = 4 प्लस 0, −2 + 4 × 1 = 4 प्लस 0, −3 − 4 प्लस 0, राइट। अब बाद में आएगा 3 − 4 = 1 2 − 3 = 2 −7 यानी a × b का आंसर जो आता है वो हमारा ये आंसर है। इसमें अगर ये स्टेप में प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि भाई इसमें −1 + 4 है तो 3 कैसे आया, कई बार इसमें भी प्रॉब्लम होती है, कई बार इसमें भी होती है कि −- साइन है तो फिर −7 कैसे आया, तो उसके लिए एक ही चीज है, मैं आपको पहले भी वीडियोस में मैंने समझाया है कि जब भी सेम साइन होती है तो हमेशा दोनों का एडिशन करना होता है। यहाँ पे दोनों का सेम साइन है तो ये दोनों का एडिशन यानी कि प्लस होगा, तो 4 + 3 तो 7 होता है, 7 तो लिखा बट दोनों में से जो भी बड़ा है उसकी साइन आपको रखनी है, ठीक है। तो 3 और 4 में से 4 बड़ा है, 4 की साइन आपको माइनस रखनी है। इसी केस में यहां भी ऐसा सेम है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, इसमें डिफरेंट साइन है तो 4 − 1 करेंगे तो 3 आएगा, बट दोनों में से बड़ा 4 है, 4 का साइन प्लस है इसलिए यहां पे प्लस है। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, फिर से बोलता हूं, सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन। अगर इसका डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, दोनों में से जो बड़ा है उसकी साइन हमने यहां पे रखी, ठीक है। इस तरह से हमने ए बी का आंसर लेके आए, इसका आंसर मैं साइड पे लिख देता हूं, फिर हम लोग एसी का आंसर